कि 2024 का जो चुनाव होने वाला है उसमें मोदी जी का जादू चलेगा या नहीं? जादूगर तो है ही है, जादू चला ही लेंगे अपना। काम का जादू या सिर्फ जादू? काम का जादू कहीं नहीं है, हवा में है जादू। और जो पब्लिक का जो रुझान है वो समझ लिए कि हट चुका है। चाहे वो उज्जैन महाकाल हुआ, चाहे काशी विश्वनाथ हुआ या राम मंदिर भी हुआ, तो इससे हम लोग बहुत खुश हैं। और महंगाई को लेकर थोड़ा सा हर सरकार में दिक्कत होती है सर, लेकिन ठीक है, हर सरकार में महंगाई कोई सरकार कम भी नहीं कर सकती। लेकिन अब की बार जनता, जिले की नहीं पूरे प्रदेश की जनता जो है मूड बना ली है कि इनको उखाड़ फेंकेंगे तो उखाड़ फेंकेंगे, क्योंकि ये 5 किलो राशन दे करके फर्स्ट बार जो है जनता को गुमराह कर दिए हैं। और जनता को गुमराह क्या किए कि पाँच, जब तक सरकार रहेगी तब तक राशन मिलेगा, ठीक है। उसके बाद इनकी कहने का मतलब ये है, कहते कुछ और हैं करते कुछ और हैं। तीन काम आप बता सकते हैं क्या मोदी जी के बढ़िया वाले? मोदी ने का काम जो किया है, रोडों का काम किया है, गरीबों को बांटा अनाज, घर मकान भी दिया, आवाज दिया, सब ये सब काम अच्छी किए हैं जो सरकार पिछली सरकार नहीं कर पाई, ये सरकार ने सब कर दिखा दी है। कुछ बढ़िया काम बताइए जो मोदी जी ने आपके लिए अच्छा किया हो। बढ़िया काम करे हैं भैया, ठीक है, राशन पानी दे थे, कुछ मिलत और का चाहिए। अब बताए खराब लग जाए? अरे बताइए खराब कहाँ लग जाएगा, आपकी बात सुनने के लिए। जो है के हड़प ले रहे हैं, खतौनी देना नहीं चाह रहे हैं, हैं कानूनी पास करनी है, कानूनी खतौनी बन रही है, और डीएम एसपी सबको लिए एप्लीकेशन दे दिए, कोई कार्रवाई नहीं सुन रहे, कोई ध्यान नहीं दे रहा। 2024 का लोकसभा चुनाव आ रहा है, अब जानना आपसे ये चाहेंगे कि मोदी के कामकाज से आप कितना खुश? मोदी के कामकाज से नहीं, सांसद रितेश पांडे जिस भी दल से आएंगे उन्हीं को हम लोग जिताएंगे। यानी कि जनप्रतिनिधि जो है उनका चेहरा देंगे? हाँ, उनका चेहरा देंगे। पार्टी से मतलब नहीं? पार्टी से मतलब नहीं। कि मोदी के चेहरे के सामने विपक्ष का कौन चेहरा चुनौती दे सकता है? हमारे सोच से अगर व्यक्तिगत मेरी बात करेंगे आप, तो अभी तक तो मुझे कोई नहीं दिख रहा है अभी तक। हाँ, राहुल को लोग बोलते हैं जैसे राहुल गांधी को कि वो मुख्य विपक्ष के जैसे चेहरा हो गए, तो हम लोग ये जानते हैं कि अगर राहुल जी का नाम लिया जाता था तो हम लोग को फ़ायदा मिलता था, उनकी चाहे सांसदी हो जाने के बाद कहीं ना कहीं हम लोग को भी कष्ट है। अगर वो होते थे कुछ ना कुछ उनकी बातों से या वक्तव्य से, हाँ मान के चलिए हम लोग को फ़ायदा होता था या मोदी जी को फ़ायदा होता था। नमस्कार, सनातन टाइम्स में आप सभी का स्वागत है, मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा। लोहिया का समाजवाद, एक ऐसा समाजवाद जिसमें हर बच्चे के लिए शिक्षा थी, हर युवा के हाथ रोजगार था, हर महिला को सुरक्षा थी और हर बुजुर्ग के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं थी। वो लोहिया जिन्होंने अपने अंतिम संस्कार को लेकर के ये इच्छा जाहिर की थी कि उनका अंतिम संस्कार विद्युत शवदाह गृह में कराया जाए, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनके मरने के साथ एक वृक्ष और जल जाए। अब आप सोच रहे होंगे कि आज हम लोहिया के समाजवाद की बात क्यों कर रहे हैं, तो आपको बता दें कि आज हम उसी धरा पर मौजूद हैं जहां पर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का जन्म हुआ। जी हां, आज हम उपस्थित हैं उत्तर प्रदेश के ज़िला अम्बेडकर नगर के मुख्यालय अकबरपुर में, और यकीन मानिए कि जब इस धरा पर आप पहुँचेंगे और लोहिया के समाजवाद को करीब से समझने की कोशिश करेंगे, तो फिर आपको पीएम मोदी का वो नारा सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास ज़रूर याद आएगा। तो चलिए आज हम लोहिया की इस धरा पर जनता से ये जानने का प्रयास करते हैं, जनता से जुड़ने का प्रयास करते हैं और ये समझेंगे कि पीएम मोदी का नारा सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास लोहिया की इस धरती पर कितना सफल है। क्या नाम है भैया आपका? शाह आलम। शाह आलम जी, ये बताइए कि आप रहने वाले प्रॉपर यहीं अकबरपुर के? जी जी, अकबरपुर। 2024 का लोकसभा चुनाव आ रहा है, अब जानना आपसे ये चाहेंगे कि मोदी के कामकाज से आप कितना खुश? मोदी के कामकाज से नहीं, सांसद रितेश पांडे जिस भी दल से आएंगे उन्हीं को हम लोग जिताएंगे। यानी कि जनप्रतिनिधि जो है उनका चेहरा देंगे? हाँ, उनका चेहरा देंगे। पार्टी से मतलब नहीं? पार्टी से मतलब नहीं। ये बहुत अच्छी बात है कि पार्टी को देख करके चुनाव करने से बेहतर है कि जो लोकल जनप्रतिनिधि हैं उनको देख करके वोट किया जी, उनको देख। तो उनके माध्यम से विकास कार्य इधर अच्छा हुआ? हाँ, खूब हुआ है। रितेश पांडे जी ने खूब विकास किया है और हम लोगों की आवाज़ भी वो संसद में उठाते रहते हैं, तो उनसे बेहतर हमारे लिए कोई नहीं। अच्छा, केंद्र की योजनाओं की अगर हम बात करें, चाहे वो राशन देने की योजना है, चाहे वो
राष्ट्रीय स्तर पर देश की सुरक्षा की बात हो, तो इसमें मोदी जी सक्सेस हैं या नहीं? नहीं, पूरी तरीके से फेल है। ऐसा क्यों लगता है? कोई तीन ऐसे गलत काम बताइए जो मोदी जी ने किया हो। नहीं, गलत काम तो ऐसे कुछ नहीं किया उन्होंने। ये बताइए कि मोदी जी का जो कामकाज है उससे खुश हैं आप? हम खुश हैं, खुश हैं। अच्छा, कुछ 2024 का लोकसभा चुनाव आ रहा है, जान रहे होंगे आप, तो उसमें इस बार क्या लग रहा है कि फिर से मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे? फिर बनेंगे। बढ़िया काम कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। कोई तीन काम आप बता सकते हैं क्या मोदी जी के बढ़िया वाले? मोदी ने का काम जो किया है, रोडों का काम किया है, गरीबों को बांटा अनाज, घर मकान भी दिया, आवाज दिया, सब ये सब काम अच्छी किए हैं जो सरकार पिछली सरकार नहीं कर पाई, ये सरकार ने सब कर दिखा दी है। तो मतलब इस बार फिर मोदी जी? फिर मोदी जी आएंगे। चलिए, ये बड़ी अच्छी बात है कि इस बार फिर मोदी जी आएंगे। माता जी, अच्छा आइए बात करते हैं, क्या नाम है माता जी आपका? इंद्रावती देवी। ये बताइए, मोदी के कामकाज से खुश है कि नहीं? जी है? जी, इस बार फिर प्रधानमंत्री बनेंगे? जी जी। कुछ बढ़िया काम बताइए जो मोदी जी ने आपके लिए अच्छा किया हो। बढ़िया काम करे हैं भैया, ठीक है, राशन पानी देते हैं, कुन मिलत बा, और का चाहिए? राशन फ्री में मिल रहा है? हाँ जी। बताइए चाचा, आपका क्या नाम है? क्या बताएं, हमने कौन कम है भैया ना बहुत बा कहे, अब बताए खराब लग जाए। अरे बताइए, खराब कहाँ लग जाएगा, आपकी बात सुनने के लिए। जो है के हड़प ले रहे हैं, खतौनी देना नहीं चाह रहे हैं, हैं कानूनी पास करनी है, कानूनी खतौनी बन रही है, और डीएम एसपी सबको लिए अप्लीकेशन दे दिए, कोई कार्रवाई नहीं सुन रहे, कोई ध्यान नहीं दे रहा, मजबूर को न्यायालय से सहारा लेना लिया पड़ना। मतलब अगर हम कहें कि प्रशासनिक व्यवस्था मोदी सरकार में ठीक नहीं लग रही है, अब हम कैसे बताऊँ? अब जौन बात है हमारी, कोई बात सुनवाई नहीं है, गरीब आदमी कोई सुनाई, हम लोग गरीब आदमी भैया। अच्छा, यही बात है। जनप्रतिनिधि से आप संपर्क में रखते हैं कि नहीं? रखते हैं कहें ना, लेकिन बात है कि आप ऊपर तो आप ही सब पहुँचाएँगे, हम लोगों के हम लोगों ऊपर पहुँच नहीं पा रहे हैं, इसीलिए मजबूरी है। बाकी का काम काज अगर राशन वाशन की बात करें तो ठीक है भाई, तो कुल मान दे ही रहे हैं, लेकिन ये बताइए कि अगर हड़प ले रहे हैं तो राशन तो मान खावे तो जगन रही, कहाँ आप खाएंगे, कहाँ टिकेंगे, कहाँ सोए बैठेंगे, ये तो रहना चाहिए आपको। तो जवाब नहीं ऊपर पहुँचाएंगे, हमारी बात सुनाई कैसे होगी? हमारा नाम राम प्रताप। अच्छा, ये बताइए कि मोदी जी के काम काज से खुश हैं? मोदी जी काम तो बढ़िया है, और क्या। इस बार 2024 का लोकसभा चुनाव जो होगा उसमें क्या लग रहा है कि फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे वो? बिल्कुल बनेंगे। काम बढ़िया कर रहे हैं, और क्या। कोई दो तीन काम बता सकते हैं कि जो मोदी जी ने बहुत अच्छा किया हो देश के लिए? देश के लिए धारा 370 जो है कर दिए, खत्म किए, और जो है जनता के लिए जो है बहुत कर रहे हैं, राशन योजना या फिर आवास योजना इस क्षेत्र में, आवास योजना, राशन योजना, आवास योजना, किसानों के लिए जो है साल में, हाँ 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 ये भी मिल रहा है, और जनता के लिए तमाम काम किए हैं, क्या क्या गिनावे। अच्छा, तो मतलब आपको क्या लग रहा है कि मोदी जी को कोई टक्कर भी दे सकता है क्या? कोई नहीं टक्कर दे सकता हूँ, विपक्षी सब एकजुट हो रहे हैं, या कुछ भी हो जाए कौनो ना है, वो सब एक से एक है। चुनाव को लेकर के अकबरपुर की जनता का क्या मूड है, ये जानने समझने के लिए आज हम अकबरपुर में ही मौजूद हैं, और यहाँ पर हम लोगों से बातचीत करके ये समझ रहे हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में किसकी लहर होगी, मोदी के कामकाज से जनता कितना ज़्यादा खुश है या फिर क्या नाराज़गी है। क्या नाम है आपका? परमानंद यादव मेरा नाम पड़ेगा। और सबसे पहले आपके सनातन न्यूज़ चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और मैं ये ज़्यादा कुछ नहीं कहकर यही कहना चाहूँगा कि आज के समय में जो सब मोदी और योगी किस कामों की सराहना कर रहे हैं, लेकिन एक तरफ अगर देखा जाए तो इस सरकार में महंगाई चरम सीमा पर है, डीजल पेट्रोल खाद्य सामग्री क्या स्थिति है, गरीब कैसे परिवार चला रहा है, कैसे पढ़ाई लिखाई बच्चों का पालन पोषण कर रहा है उसको वही जानता है, क्योंकि इसमें इस सरकार में जो नीचे हैं दबे कुचले हैं वो इसे दबे कुचले रहेंगे। हाँ, और महंगाई को आप देख ही रहे हैं कैसे क्या है, पेट्रोल हर चीज़ जो है, तमाम प्रकार की हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हर चीज़ हो रहा है, देखिए आए दिन आप चैनल में पेपर में देखते हैं, कहीं ना कहीं
हर विधानसभा में कहीं ना कहीं थाना अंतर्गत जो है हत्या हो रही है, कहीं जमीनी विवाद को लेकर के कहीं कुछ, तो ये तमाम प्रकार की सारी योजनाएं मुद्दे हैं। कानून व्यवस्था और बेरोजगारी, ये दो मुद्दा बनेगा क्या बीजेपी को लेकर? जैसे इसके पूर्व में जो सरकार थी, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी जितना जिला ही नहीं पूरे प्रदेश को जितना आगे बढ़ाए थे, जितने आगे ले गए थे, उतने ये वर्तमान सरकार जो है पीछे कर दी। हाँ, क्योंकि देखिए इलाहाबाद लखनऊ जो भी बच्चे क्वालिफाइड के लिए करके गए वहाँ तैयारी कर रहे हैं एजुकेशनल में, उनसे पूछ लीजिए आप, उनसे बाइट ले लीजिए आप, बयान ले लीजिए, क्या रिस्पॉन्स देंगे वो? देखिए सरकार के खिलाफ, सरकार के विरोध जो है कितनी बार प्रदर्शन किए, कितने बच्चे आत्महत्या कर लिए, क्या है ये सब? अच्छा, हम चूंकि बात कर रहे हैं लोकसभा चुनाव की, तो उसमें आपको क्या लग रहा है कि मोदी जी को टक्कर देने के लिए इन सब मुद्दों पे कौन सा नेता आगे आएगा? जो इनका हथकंडा है, ये पूरे पूरा हथकंडा अपना लगा लेंगे, पूरा अपना हर चीज़ जो है लगा लेंगे ये, लेकिन अब की बार जनता जिले की नहीं पूरे प्रदेश की जनता जो है मूड बना ली है कि इनको उखाड़ फेंकेंगे तो उखाड़ फेंकेंगे, क्योंकि ये 5 किलो राशन दे करके फर्स्ट बार जो है जनता को गुमराह कर दिए हैं। और जनता को गुमराह क्या किए कि 5 जब तक सरकार रहेगी तब तक राशन मिलेगा, ठीक है, उसके बाद इनकी कहने का मतलब ये है, कहते कुछ और हैं करते कुछ और हैं, उस समय इनको ये दिखाई पड़ता है कि चुनाव हो जाए, हम जीत जाएं, हमारी सीटें निकल जाएं हर जगह से, हर ज़िले से, बस काम ख़त्म। उसके बाद जनता परेशान है, बेरोजगार है, क्या है, उससे नहीं मतलब है। तो क्या प्रधानमंत्री के लिए विपक्ष के नेता के तौर पर अखिलेश यादव आगे आएंगे क्या? देखिए अभी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ऊपर है, क्योंकि ये ना तो कोई नेता अभी डिसीजन ले पाया है, ना तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, अब उनके मूड की बात है, अब प्रधानमंत्री के दावेदार होंगे या विधानसभा चुनाव कहाँ से लड़ेंगे, किस जिले से लड़ेंगे, अब वो तो उनके ऊपर है। बहरहाल अभी चुनाव लंबा है, अब देखा जाएगा। तो मोदी के चेहरे को विपक्ष का ऐसा कौन सा चेहरा है जो टक्कर दे सकता है प्रधानमंत्री के तौर पर? जिसे आप जान रहे हैं कि इस समय बहन कुमारी मायावती भी चुप्पी साध के बैठी हैं, कांग्रेस की क्या दशा हुई आप देख ही रहे हैं कि विधानसभा में जो है सही बात को, गरीबों की बात को, गरीबों के हक को रखा गया तो राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर दी गई, 8 साल के लिए वो चुनाव लड़ नहीं सकते हैं। तो ये सदस्यता किसने रद्द की? ये सदस्यता वर्तमान सरकार, क्योंकि सही चीज़ राहुल गांधी जी ने रख दिया जनता। सुनने में तो आया कि ये कोर्ट का फैसला था, ये कोर्ट का फैसला मान रहे हैं, लेकिन अब जैसे जब किसी चीज़ पे इल्ज़ाम लग जाता है तो उसको तो छुपाने के लिए वो विधायक हो या कोई भी हो तमाम प्रकार की नाना प्रकार की बातें रखते हैं, हैं? कोर्ट, ये बताइए आप हमें कोर्ट कैसे फैसला किया इनको, मेन जड़ क्या मुद्दा था? तो मेन मुद्दा इन्होंने किसी विशेष जाति को लेकर के टिप्पणी की थी कि ये जाति वाले ही क्यों चोर होते हैं? ये विशेष जाति को लेकर के कोई टिप्पणी नहीं किए थे इन्होंने, गरीबों और जनता की बातों को रखा गया है कि इस भाजपा सरकार में हर व्यक्ति गरीब जो है त्राही एकदम बेरोजगार है, यही सब काम की बात को लेकर के इन्होंने बात को रखा था, जिसको लेकर विपक्ष सरकार ने, वर्तमान सरकार ने को बुरा लगा और इनकी सदस्यता को रद्द किया गया। इसी प्रकार से तमाम और भी बातें थी उसमें। यही तो हम जानना चाह रहे हैं कि सदस्यता अगर रद्द हुई तो कोर्ट के फैसले से रद्द हुई या फिर बीजेपी ने कर दिया? नहीं देखिए उसमें कोर्ट का भी हर चीज़ था है, कोर्ट के आदेशानुसार और सरकार के आदेशानुसार इनकी सदस्यता रद्द की गई, और उसमें जो है यही था कि जो सही चीज़ गरीबों के हक में जो बोलता है उसके खिलाफ मुकदमा कर दिया जाता है, उसके आवास को जो है छीन लिया जाता है। मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि जनता की बात उठाने की सज़ा, ऐसा आरोप है कि राहुल गांधी को मिली है। भैया लस्सी की दुकान पर हैं, लस्सी का काम करते हैं, लोगों का दिमाग ठंडा होता है लस्सी पीने से, लेकिन राजनीति हमेशा गर्म रहती है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी जी के कामकाज को लोग कितना पसंद कर रहे हैं? पसंद तो सर बहुत कर रहे हैं, पसंद इसलिए कर रहे हैं कि हर एक चीज़ की सुविधा यहाँ पे है और हमें नहीं लगता कि किसी चीज़ की परेशानी है। थोड़ा बहुत महंगाई को लेकर पब्लिक में उतार चढ़ाव है और बाकी हमें नहीं लगता किसी चीज़ से जनता परेशान है। जी अच्छा, सड़कों की अगर हम बात करें या विद्युत सुविधा की हम बात करें या उसके अलावा राशन की बात करें, तो ये सारी जो सुविधाएं हैं क्या इससे जनता लाभान्वित हो रही है? बिल्कुल हो रही है, लाभान्वित क्यों नहीं होगी जनता को। तीन काम बताइए जो मोदी जी के बहुत अच्छे हैं। मोदी जी के एक सबसे पहले प्रधानमंत्री आवास योजना,
जिसके घर पे छत नहीं था उसको छत मिल गया है, उसके बाद जिसके घर पे अनाज नहीं पहुंच रहा था उसके घर पे अनाज दे रहे हैं। ये सब सरकार अपने हिसाब से कर रही है, बस ये और काम बचा है जी, दो बताए हैं। दूसरा काम ये, और तीसरा काम सर ये है कि हर तरीके से मोदी जी एक हिंदू राष्ट्र की जो बात करते हैं जो हित में है हम लोग उससे बहुत खुश रहते हैं, और जो राम मंदिर बनवा दिए इससे तो और खुशी हम लोग को, हिंदू ये आस्था हम लोग को बहुत अच्छी लगती है कि हर परिषद में काम हो रहा है, चाहे वो उज्जैन महाकाल हुआ, चाहे काशी विश्वनाथ हुआ या राम मंदिर भी हुआ, तो इससे हम लोग बहुत खुश हैं। और महंगाई को लेकर थोड़ा सा हर सरकार में दिक्कत होती है सर, लेकिन ठीक है, हर सरकार में महंगाई कोई सरकार कम भी नहीं कर सकती जी। कोई टक्कर देने वाला है मोदी जी को विपक्ष जी को? हमारे हिसाब से तो यहाँ विपक्ष में कोई टक्कर देने वाला नहीं है, और ना ही हमारे यूपी में जो श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं ना ही उनको कोई देने वाला है जी। राहुल गांधी को लेकर के क्या विचार है? राहुल गांधी बहुत पिछड़े वर्ग के नेता हैं, अभी उनको यूपी में आने में या वहाँ से प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ने में बहुत बहुत पीछे हैं जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने। जी जी, धन्यवाद।